तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं फ्री फायर मैक्स को हाई ग्राफिक्स में खेलने के लिए बेस्ट ऑफ 5G गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000। जी हां गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 15,000 के अंदर में फ्री फायर मैक्स को लंबे टाइम तक खेलने के लिए, हाई ग्राफिक्स में खेलने के लिए, रिकॉर्डिंग करते करते खेलने के लिए बेस्ट ऑफ 5G स्मार्टफोन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप सभी को पता भी होगा 5G इंडिया में लॉन्च हो चुका है, तो आपको 4G फोन लेने के बजाय आपको 5G फोन ही परचेस करना चाहिए। तो ये जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है अगर आप एक फोन खरीदना चाह रहे हो। एंड आपको इस वीडियो में मैं जो भी गेमिंग स्मार्टफोन बताने वाला हूं वो सभी ऐसा स्मार्टफोन है जो लंबे टाइम तक चलेगा, अच्छे कंपनी के फोन्स है, आपको कुछ भी आगे चल के कुछ भी परेशानी नहीं होगा, कोई भी इश्यू नहीं होने वाला। अभी आपको मैं ले चलता हूं फ्लिपकार्ट या अमेजोन के वेबसाइट पे, क्योंकि वहीं से आप भी फोन परचेस करेंगे। तो यहां पर अभी मैं चलता हूं यार ब्राउजर में, आप क्रोम वगैरह यूज करते हो तो उसमें से आप सर्च करना या फिर आप डाउनलोड कर लेना अमेजोन फ्लिपकार्ट। अभी यहां पर मैं फ्लिपकार्ट ही लिखता हूं। तो यहाँ पर ये जो प्राइसेस है ना फोन के, ये फ्लिपकार्ट में कभी ज़्यादा रहता है तो कभी कम रहता है, और अमेजोन में भी यही चलता है। तो आप सही टाइम में देख के परचेस करना फोन को, जिस टाइम प्राइस कम रहता है कभी ज़्यादा भी हो जाएगा, तो आप प्राइस को थोड़ा देख के परचेस करना। तो हमारा जो पहला बेस्ट बजट गेमिंग स्मार्टफोन आता है वो आता है रेडमी के साइड से, रेडमी नोट 10T 5G, जो कि आप सभी को पता होगा। इसका आप रेटिंग देखो अमेजोन में, इसका रेटिंग और भी ज़्यादा है, बट अमेजोन में अभी इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब बहुत लोग परचेस करेंगे तो ऑब्वियसली यार प्राइस तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये जो फोन है बहुत ही बढ़िया फोन है। मेरा दोस्त इसको परचेस किया है और उसमें फ्री फायर मैक्स खेलता है, एकदम स्मूथ चलता है, रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो अगर यूट्यूब पे वीडियोस डालना चाहते हो तो। यहां पर आपको 464 का वेरिएंट देखने को मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13,000 में, और इसका प्राइस इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। ये जो फोन है ये बजट वाला फोन है, तो इसका प्राइस इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ने वाला। और अगर आप 6GB रैम वाला लेने के सोच रहे हो तो मत लेना 6GB रैम, क्योंकि 6GB रैम का आप करोगे क्या यार, इतना बड़े बड़े गेम को एक साथ तो नहीं खेलोगे ना, आप फ्री फायर मैक्स ही खेलोगे। तो मैंने अभी रिसेंटली 4GB रैम वाला ही फोन लिया है, तो उसमें आराम से गेम चल जाता है, कोई भी लैग नहीं होता, आराम से आप 4-5 घंटे गेम खेल सकते हो। तो अभी हम देखते हैं भाई इस फोन में क्या क्या फीचर्स है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसमें आपको मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा, और एक आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। तो कैमरा तो इसमें अच्छा है, एकदम बेस्ट तो नहीं बोल सकते पर ठीक ठाक आपको कैमरा मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जिससे आपका फोन का जो डिस्प्ले है वो ज्यादा फास्ट लगेगा, आपको एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एंड आपको इसमें 5G डुअल 5G सिम सपोर्ट मिल जाएगा, 18 वाट का फास्ट चार्जर है, एंड आपको इसमें 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा। तो 5000mAh का बैटरी एकदम इनफ है, और 18 वाट में करीबन यार वही 145 मिनट में अपना फोन पूरा चार्ज हो जाएगा, और इतना भी मतलब ज्यादा नहीं है, आप दिन भर तो खेलोगे नहीं। एंड अगर हम इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5G प्रोसेसर मिल जाएगा, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 7nm के आर्किटेक्चर में बेस्ड है। तो ये जो प्रोसेसर है काफी फास्ट है, काफी अच्छा है, आप इसमें आराम से गेमिंग खेल सकते हो, मतलब फ्री फायर मैक्स खेल सकते हो, और चाहो तो BGMI भी खेल सकते हो, जो जो गेम अवेलेबल है वो सभी आप खेल सकते हो। अब एकदम से आप हाई सेटिंग में नहीं खेल सकते, आपको मीडियम सेटिंग में खेलना होगा, जैसे स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में खेलना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप चाहो तो 3-4 घंटे खेल सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो अगर आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है लेकिन आपको फ्यूचर प्रूफ 5G फोन लेना है और गेमिंग भी करना है, तो ये फोन आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है। आप गेमिंग भी कर पाओगे अच्छे से, 5G भी आपको मिल जाएगा, और रेडमी का ब्रांड है तब तो आपको आगे कोई भी परेशानी होगा ही नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे गेमिंग स्मार्टफोन की तरफ। तो ये जो फोन है ये पोको की तरफ से है, रेडमी का ही है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका प्राइस। अभी यहाँ पर आप देखो पोको X4 Pro 5G, ये भी अभी का 5G फोन है। अगर आपको वो फोन नहीं चाहिए तो आप ये ले सकते हो, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा आप देख लो। तो यहाँ पर इसमें आपको मिल जाएगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, जिसमें मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो 1200 nits का पीक ब्राइटनेस है। अब सुपर एमोलेड है तो भाई डिस्प्ले कतई जहर, एकदम बहुत ही बढ़िया कलर आपको मिलेगा, लेकिन वही बात है कि डिस्प्ले अगर टूटेगा फूटेगा तो आप समझ लो यार 4,500 या 5,000 आपका गया। तो अगर आप एक एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन को यूज करोगे तो आपको थोड़ा संभाल के फोन को यूज करना है, ताकि डिस्प्ले टूटे ना। अब उसके बाद आपको इसमें 5G बैंड्स भी मिल जाएगा, 5G फोन है तो। और यहाँ पर आपको मिलता है 67 वाट का फास्ट सोनिक चार्जिंग, जो कि यार कतई भाई इतना ज्यादा स्पीड रहेगा 67 वाट का, करीबन 15 से 20 मिनट में ही आपका फोन पूरा चार्ज हो जाना चाहिए। और उसके बाद इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, एंड इसमें आपको मिल जाएगा 5000mAh का बैटरी जो कि इनफ है यार, आप आराम से गेमिंग कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा इतने में। एंड इसके बाद आपको इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर है, डुअल स्पीकर है, एंड इसमें टच सैंपलिंग रेट 360Hz का है, और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगा जो कि स्पेशली गेमर्स के लिए ज्यादा काम आएगा, जब फोन हीट होगा तो ऑटोमेटिकली फोन जो है वो ठंडा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इस फोन में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इसमें आपको मिल जाएगा
स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का ये 5G प्रोसेसर है, 695 5G प्रोसेसर यहाँ पर लिखा है। तो इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है एक्सट्रीम लेवल का चलेगा, कोई भी लैग वैग नहीं होगा। ये मिड रेंज का प्रोसेसर है, तो आप इसमें एकदम ज़्यादा गेमिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप स्टैंडर्ड में मीडियम लेवल में आप आराम से गेमिंग कर पाओगे। तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है अगर आपको 15,000 के रेंज में ही चाहिए एक 5G स्मार्टफोन, वो भी अच्छा खासा। तो चलो अभी हम बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन के साइड से। तो ये जो अगला स्मार्टफोन है ये भी Redmi के साइड से ही आता है, Redmi 11T 5G। अब ये जो फोन है यार, ये फोन भी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। अब इसका प्राइस देखो, 6GB रैम है इसका और 128GB का इंटरनल स्टोरेज, ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ समझ लो 15,000 में। और उसके बाद यहाँ पर आप इसका फीचर्स तो देखो, बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पर अभी इसका कुछ ज्यादा फीचर्स डिटेल तो दिखा नहीं रहा है, अमेजोन से देख लेना। इसमें आपको 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा एंड इसमें 50MP का रियल कैमरा है, और इस फोन का कैमरा जो है ना सच में बहुत बढ़िया है, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखा है इसका। एंड इसके बाद आपको इसमें मिल जाएगा MediaTek Dimensity 810 ऑक्टा कोर 5G प्रोसेसर, 6nm के आर्किटेक्चर पे ये बेस्ट है। तो ये जो प्रोसेसर है बहुत ज्यादा स्पीड है, अभी के जितने भी फोन्स बताए उन सभी से बहुत ज्यादा स्पीड है इस प्रोसेसर का। और इसमें कुछ ज्यादा अभी यहाँ पर फीचर्स बता नहीं रहा है, तो आप Amazon से जरा चेक करना इसका फीचर। तो अगर आप एक Samsung लवर हो, आपको Samsung का ही फोन परचेस करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसके लिए यहाँ पर ये 5G का फोन है Samsung का जो कि अभी अभी आया हुआ है। इसमें आपको 6GB रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज और ये जो फोन है सिर्फ और सिर्फ 15,000 का है। इसमें आपको मिल जाएगा 6000mAh का एक बहुत ही बड़ा बैटरी, लेकिन इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो Samsung का ही खुद का Exynos का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर मिड रेंज का आप गेमिंग इसमें कर पाओगे। मैंने आपको जो बताया Redmi का फोन बताया 11T 5G, Poco X4 Pro उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, उनके जितने लेवल का नहीं रहेगा, बट इसमें भी आप गेमिंग अच्छे खासे कर पाओगे। और साथ ही साथ इस फोन का जो UI रहता है Samsung का, यूजर इंटरफेस जो सॉफ्टवेयर रहता है, वो बाकी फोन से बहुत अच्छे रहते हैं, कोई भी बग वगैरह नहीं रहता। तो उसके मामले में Samsung का फोन एक अलग ही पहचान है भाई, अलग ही ब्रांड है, और आपको मतलब चलाने में भी थोड़ा प्रीमियम फोन लगेगा Samsung का फोन, ये बात मैं भी मानता हूँ। और इसके बाद इसका जो फोन का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो 120Hz का है। एंड यहाँ पर आप इसका कुछ फीचर्स देख सकते हो, 50MP का कैमरा, जो कि कैमरा तो काफी अच्छा ही रहता है Samsung के फोन का, और भी कुछ कुछ यहाँ पर आप फीचर्स वगैरह देख सकते हो। तो अगर आपको Samsung का फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन इस फोन का जो डिस्प्ले है वो शायद TFT डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले नहीं है, तो कलर वगैरह शायद आपको उतना अच्छा इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डिस्प्ले को नज़रअंदाज करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो डिस्प्ले में, तो आपके लिए ये बेस्ट फोन होगा। बट मेरे ख्याल से यार डिस्प्ले एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, तो आपको ये डिस्प्ले पसंद नहीं आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि फोन अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से अगर आपको डिस्प्ले पसंद नहीं आता इस फोन का, तो इसे मत लेना, कोई दूसरा फोन खरीद लेना। तो ये थे वो बेस्ट 5G गेमिंग स्मार्टफोन फ्री फायर मैक्स को खेलने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए, कुछ सीखने वाले वीडियोस चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।